हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी ब्राउन बूटी स्मृति अरोड़ा। सो आज है डे टू इन मुंबई। तो कैसे हैं गाइस आप सब, और कैसे जा रहे हैं ये डेज? सो गणपति के डेज हैं और मैं आई हुई हूं मुंबई। जैसे कि आपने कल के व्लॉग में मेरे देख ही लिया होगा अब तक कि मैं मुंबई में, और मेरे साथ है समृद्धि। और गाइस आपके लिए एक सरप्राइज है, बताऊं? हम जा रहे हैं मॉल। यस, सो हम जा रहे हैं मॉल, एंड उसके बाद हम जाएंगे जूजू पार्टी। तो यहाँ पे उसका व्लॉग, उसका मतलब उसकी साथ में लेकर चलेंगे आपको वहाँ पे भी, और वहाँ पे बहुत सारा पानी होता है तो उसमें घुमाएंगे पानी। हाँ, तो अभी हम जा रहे हैं मॉल, एंड देन उसके बाद हम जाने वाले हैं जूजू पार्टी। तो डे टू है और हमने अभी घूमने की जो शुरुआत करी है, तो देखेंगे अभी जितने दिन हैं। मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मैं यहाँ वर्क के लिए आई थी, तो पहले वर्क इंपॉर्टेंट है, तो हम वर्क निपटा लेंगे, देन उसके बाद देखेंगे। आज थोड़ा सा हम फ्री थे तो सोचा चलो हम ये दो जगह घुमाते हैं, एक तो मॉल है एक जूजू पार्टी। और गाइस हम कौन सा मॉल जा रहे हैं? तो हम जा रहे हैं इन्फिनिटी के मलाड़ मॉल। यस, तो यस, सॉरी मैंने गलत बोला, मलाड के इन्फिनिटी मॉल जा रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो एक्साइटमेंट देख रहे हो कितनी ज्यादा हो रही है। तो चलो साथ चलते हैं और फिर हम आपको मॉल में मिलते हैं। और गाइस, सो गाइस हम लोग जहाँ रास्ते से जा रहे थे वहाँ पे ये आग लग गई थी एक रेस्टोरेंट में, जैसे आप देख रहे हो बर्गर स्टेशन है, और उनकी चिमनी जल गई थी। तो बहुत ज़्यादा ही धुआं आग, और मुंबई शहर ऐसा है जहाँ पे ज़रा सी छोटी जगह पे आग लगी तो पूरा एरिया जल जाता है। सो भगवान करे सब कुछ ठीक ठाक हो। हम लोग पहुँच गए हैं इन्फिनिटी मॉल और समृद्धि ये रही। चलो, वेरी हैप्पी। समृद्धि इज वेरी हैप्पी, उसकी एक्साइटमेंट आप देख सकते हो। आफ्टर आई थिंक आफ्टर टू इयर्स आप मेरी खुशी को समझ नहीं पा रहे हो। कमिंग सो गाइस, मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग आए तो बड़ी खुशी खुशी थे, बट अंदर जा नहीं पाए बिकॉज यहाँ पे मुंबई में सारे मॉल्स में आई थिंक ये रूल है कि आप डबल वैक्सीन होने चाहिए तो आपको एंट्री मिलेगी। तो अभी मैं वैक्सीन नहीं हूँ तो मुझे एंट्री नहीं मिली, और समृद्धि इज़ क्राइंग बिकॉज ये बहुत दिल से आई थी कि मुझे इन्फिनिटी मॉल जाना है, बट हमें पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसा कुछ सीन है या क्या है। बट यार मतलब क्या होने वाला है ना, छोड़ो मूड तो ऑफ हो ही गया, देखते हैं हम नेक्स्ट कहाँ जाते हैं। सो गाइस, जैसे कि हम मॉल से निकले और देन हम लोग रिक्शे में ही थे, ऑटो में थे, मैंने देखा कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपने आप ही डिसेबल हो गया। तो लाइक मैंने बहुत मतलब बहुत मेहनत करी थी यार उस अकाउंट पे, मतलब होता है ना कि आप एक चीज़ पे इतनी मेहनत करते हो और आपसे सडनली वो छीन लिया जाता है, तो मेरे लिए वही सेम फीलिंग हो रही है अभी भी, और मेरा तब से ना बिल्कुल मन नहीं लग रहा। और हम मॉल के बाद चौपाटी भी गए क्योंकि समृद्धि बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो बच्चा है उसका दिल बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहिए। तो बट मैं वहाँ का व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल एक्चुअली, सिर्फ इंस्टाग्राम की वजह से, और मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। और अगर आप में से किसी को पता है कि इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल होने के बाद हम उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। आई डोंट नो कि वो हैक हुआ है या मतलब डिलीट हुआ है, आई डोंट नो उसको क्या हुआ है, बट जस्ट कि मैंने मैं मॉल से निकली एंड मैं ऑटो से ऑटो में बैठी, ऑटो से जब मैं मॉल की तरफ जा रही थी मैं पूरे रास्ते इंस्टाग्राम अकाउंट चलाती हुई चल गई हूँ, एंड देन उसके बाद मैंने बंद करके फ़ोन रख दिया। ठीक है, फिर अपने व्लॉग्स वगैरह शूट करने लग गई, एंड देन फिर मैं वापस ऑटो में बैठती हूँ, जैसे ही मैं अपना इंस्टाग्राम ऑन करती हूँ आई एम जस्ट शॉक कि मेरी आईडी कहाँ गई, बिकॉज उसमें मेरे काफ़ी सारे ड्राफ्ट वीडियोस भी थे तो वो तो गए, तो इस वजह से मैं बहुत पहले तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। एंड देन फिर मैंने अपना आईडी डाला, तो आईडी डालने के बाद वो
मतलब नहीं शो हो रहा था, वो यूज़र नॉट फाउंड आ रहा था। मैंने सबको बोला कि जल्दी से मेरा इंस्टाग्राम देखो कि तुम्हें वो दिख रहा है कि नहीं, तो सबने ये बोला कि नहीं दिख रहा। उसके बाद बैक टू बैक मेरे काफ़ी सारे व्हाट्सअप पे मैसेज आए कि दी आपने हमें ब्लॉक कर दिया या दी आपने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। तो गाइज अगर आप लोग मेरा व्लॉग्स देखते हो तो मैं बता दूँ कि ना तो मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट अपना डिलीट करा है, ना ही मैंने किसी को ब्लॉक करा है। मेरा अकाउंट अपने आप ही डिसेबल हो गया है। तो सीरियसली मतलब यार बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मेरे को ना, मैं बस बता नहीं सकती, बोल नहीं सकती। और मतलब बहुत ऐसा फील हो रहा है कि इतना बैड डे है ना मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी थी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए, इतना बैड डे है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। तो गाइज मैं ये व्लॉग इसलिए यहीं एंड कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी, मैंने बीच का मैंने कोई क्लिप शूट नहीं करा, मेरा बिल्कुल मन ही नहीं था कोई भी व्लॉग बनाने का, कोई भी शूट करने का। तो होप सो अगर मैं कल बेटर हुई, मैं कल गई कहीं, तो मैं ज़रूर व्लॉग बनाऊंगी, वरना और गाइस मेरा भी बहुत मूड ख़राब था।